तो गाइस स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आज आपको ओवेस्प जैप का फुल इंस्टॉलेशन बताऊंगा कि उसे अपने काली लिनक्स में कैसे इंस्टॉल करें, और ये सबसे मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा उसको इंस्टॉल करने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओवेस्प जैप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको रूट यूज़र में चले जाना है। तो मैं यहाँ पर सूडो सू लिख के पासवर्ड दे देता हूँ, और यहाँ पे अब हम रूट यूज़र में आ चुके हैं। और सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को अपडेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ apt get update, और यहाँ पे हमारा सिस्टम अपडेट होने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये अपडेट हो चुका है। एंड देन आपको यहाँ पे टाइप करना है apt install zap proxy। तो मैं यहाँ पे इसे टाइप कर देता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँगा ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो मैं इसे एंटर पे क्लिक कर देता हूँ, और ये हमारे यहाँ पे इंस्टॉल होने लग गया। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं, और यहाँ पे मैं वीडियो को कट नहीं करूँगा किसी भी जगह पे, क्योंकि अगर कोई भी एरर आएगी तो मैं उसको भी सॉल्व करूँगा इसी वीडियो में। तो इसे होने देते हैं। और अब ये हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इतना करने के बाद आपको फिर यहाँ पे टाइप करना होगा zap proxy। तो मैं इसे यहाँ पे टाइप करता हूँ zap proxy, और मैं एंटर करता हूँ, और देखिए यहाँ पे एक एरर आ चुकी है जैसा कि मैंने बोला था। इसको चाहिए जावा 11 रन करने के लिए, तो जावा 11 इसको मिनिमम चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे update-alternative-java-config। तो इतना हम यहाँ पे टाइप करेंगे, और इसको हम जावा 17 जो अभी करंट वर्ज़न है उस पर सेट कर लेंगे। अगर आपके पास 11 से कोई ऊपर वाला है वर्ज़न तो आप उस पर भी सेट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे अब मैं इसे जावा 17 पे सेट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1, और फिर मैं एंटर कर देता हूँ, और जैसे ही एंटर करेंगे ये हमारा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सक्सेसफुली सेट हो चुका है जावा 17 पे। और उसके बाद आपको फिर से टाइप करना है zap proxy। तो मैं यहाँ पे इसे टाइप कर लेता हूँ zap proxy, और अब ये हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसे कंप्लीट होने देते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा ओवेस्प जैप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, और अब ये कुछ अंदर की प्रोसेसिंग ले रहा है, और ये काफ़ी कम ही समय लेगा। और अब ये हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। और यहाँ पे आपको पहले पे टिक करके फिर आपको रिमेंबर माई चॉइस पर टिक करके स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं इसे टिक कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं रिमेंबर माई चॉइस पे टिक कर लेता हूँ, और उसके बाद हमें ये इस पे और टिक करना पड़ेगा यस आई वॉन्ट टू परसिस्ट। तो स्टार्ट पे अब मैं क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारा ओपन हो जाएगा। और अभी आपको थोड़ा वेट और करना है इस वीडियो पे, क्योंकि इसको आपको अपडेट ऑल पे कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ अपडेट ऑल, और जैसे ही आप अपडेट करेंगे ये हमारा अपडेट होने लग जाएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी फास्ट ये अपडेट होने लग गया। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे शॉर्टकट से ओपन कैसे करें। सबसे पहले तो अब आप यहाँ पे अपना जो स्कैनिंग का पार्ट है आप उसे यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटेड स्कैन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ www.google.com। तो मैं यहाँ पे अभी इसे स्कैन नहीं करूँगा हालांकि, लेकिन बस मैंने आपको दिखा दिया कि आप यहाँ से इसकी स्कैनिंग अब स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसे शॉर्टकट से कैसे ओपन करें। अब बारी बारी आप इसे टाइप करके तो ओपन करोगे नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट।
तो फ़िलहाल मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखेगी जैसा कि आपको होम स्क्रीन दिखती है। फिर आपको इस शो ऐप्स पे जाना है। आपके हो सकता है कि ये लेफ़्ट अप हो, लेफ़्ट में हो, मेरे यहाँ पे नीचे ही आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं डॉट 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 डॉट। तो फ़िलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद फिर आपको ओवेस्प जैप का दिख जाएगा, या तो आप उसे सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। तो मैं इस शो ऐप्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फिर आपको टाइप करना है ओवेस्प जैप, और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है। आपको एंटर या फिर इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ये हमारा स्टार्ट होने लग जाएगा। एक बारी देखिए, फिर से इसे आपको वही कर लेना है, रिमेंबर माय चॉइस, या फिर चाहे तो आप इसे क्लोज़ भी कर सकते हैं। सो मैं इसे स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अब ये फिर से हमारा सक्सेसफुल स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अब कोई भी एरर नहीं आ रही और ना ही कभी आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके इस इंस्टॉलेशन में तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। और ये सबसे सिंपल इंस्टॉलेशन था इसको इंस्टॉल करने का। और यहाँ पे आपके ऐसे काफ़ी अपडेट्स हो रहे होंगे तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको थोड़ा अपडेट होने देना है और उसके बाद ये पूरा सेट हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हमारा अपडेट भी सारा हो चुका है तो अभी ये कोई भी प्रोसेसिंग नहीं लेगा। और फ़िलहाल मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, तो ये क्लोज़ हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइज़ ये था ओवेस्प जैप को इंस्टॉल करने का फुल इंस्टॉलेशन, और ये सबसे सिंपल मेथड है इसको इंस्टॉल करने का। और अगर आपके कंप्यूटर के रिलेटेड या फिर काली लिनक्स या विंडो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका आंसर दूंगा। या फिर अगर आपके कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ में तो भी आप नीचे कमेंट ज़रूर करना, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो यही थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।